नमस्कार। सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो इस वक्त की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार की ओर से बिहार राशन वितरण को लेकर सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि बिहार राशन वितरण में बहुत ही बड़ा जो है ये पहली बार ऐसा बदलाव किया गया है। जैसे में आप सभी को पता है कि पिछले 15 दिनों से जो है राशन को लेकर बदलाव पर बदलाव किया जा रहा है, राशन कार्ड रद्द किया जा रहा है, तो राशन वितरण में भी बदलाव किया जा रहा है। ये सिलसिला जो है लगभग 1 महीने तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि बदलाव किया जा रहा है। फिर से यहाँ पर क्या क्या बदलाव किया गया है, अगर आप बिहार के एक राशन कार्डधारी है, अगर आप राशन का उठाव करते हैं, तो ये राशन वितरण का नियम जो है आप सभी को जान लेना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। राशन वितरण में जो है अब बदलाव कर दिया गया है, तो चलिए मैं फटाफट से बता देता हूँ। तो ये जो है ऑफिशियली जो यहाँ पर नोटिफिकेशन को जारी किया गया है बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जो है इस सभी राशन कार्डधारियों के लिए जो यहाँ पर आम सूचना जारी किया गया है। यहाँ पर मैं कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आप सभी को साफ साफ जो यहाँ पर दिख सके। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को माह जून 2022 से मार्च 2023 तक, ये जो है सबसे बड़ा जो है बदलाव किया गया है, खाद्यान्न निम्नोक्त एवं निर्धारित मात्रा एवं दर के अनुसार जो है अब वितरित किया जाएगा। यहाँ पर मार्च 2023 तक जो है सबसे बड़ा जो है बदलाव किया गया है, और ये नियम जो है मार्च 2023 तक लागू रहेंगे। अब बदलाव क्या क्या किया गया है यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए परिवारों एवं लाभुकों की श्रेणी, जैसे मैं आप सभी को पता है अंत्योदय श्रेणी, यानी कि अंत्योदय जो भी राशन कार्डधारी है इसको यहाँ पर AAY राशन कार्ड बोलते हैं, यानी कि पीला राशन कार्डधारी जो भी, अब उनका यहाँ पर दिया जाएगा कितना, 60 kg अब गेहूँ दिया जाएगा और 28 kg चावल दिया जाएगा, कुल 35 kg जो यहाँ पर मिलेगा। पहले भी यहाँ पर 35 kg मिलता था, लेकिन इसमें बदलाव क्या किया गया है कि अब आप सभी को 7 kg जो यहाँ पर गेहूँ ही दिया जाएगा। अब यहाँ पहले 14 kg गेहूँ एवं 21 kg जो यहाँ पर चावल दिए जाते थे, अब जो यहाँ पर चावल में बढ़ा दिया गया है, उनमें जो है कटौती की गई है। जैसे मैं आप सभी को पता है कि गेहूं के उत्पादन में कमी आने के कारण जो यहां पर और यूक्रेन एवं रूस के बीच लड़ाई होने के कारण जो है ये बदलाव किया जा रहा है, और ये बदलाव कर दिया गया है आप सभी को जून माह से जो है इसी नियम के अनुसार जो है आप सभी को राशन मिलेगा। अगर आप अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्डधारी है, पीला राशन कार्डधारी अगर आपके पास है, तो आपको 7 kg गेहूँ एवं 28 kg चावल जो है मिलेगा। इसमें जो है एक मेंबर हो या दो मेंबर हो या 10 मेंबर हो, इसमें मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो राज्य सरकार द्वारा जो है पैसे से जो राशन दी जाती है, और जो भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो भी राशन मिलता है आप सभी को, वे जो है मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका पीला ही राशन कार्ड है, अगर उसमें जो है 5 मेंबर है, तो आपको जो है 25 kg जो है आपको राशन दिया जाएगा। अगर 7 मेंबर है, तो आपको 35 kg ये और 35 kg आपको राज्य सरकार द्वारा, यानी कि 17 kg जो आप सभी को दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं। और वही यहाँ पर पूर्वी कथा प्राप्त श्रेणी की बात करें, यानी कि PHS राशन कार्डधारियों की, तो इसमें जो है प्रति लाभार्थी पर जो है 1 kg गेहूँ एवं 4 kg चावल दिए जाएंगे। पहले 2 kg गेहूँ एवं 3 kg जो है चावल दिए जाते थे, अब जो इसमें बदलाव कर दिया गया है, जैसे मैं देख सकते हैं अब आपको प्रति यहाँ पर प्रति मेंबर पर 5 kg पहले से ही मिल रहा है, और 5 kg मिलेगा भी। और यहाँ पर यही जो है गेहूँ आप सभी को 1 kg दिया जाएगा, चावल 4 kg जो यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि 5 kg जो यहाँ पर दिया जाएगा। मान गए कि आपका राशन कार्ड में 4 मेंबर है, तो 4 kg गेहूँ मिल जाएगा और 4 × 16 यहाँ पर आप सभी को 16 kg जो यहाँ पर चावल मिल जाएगा। इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं आपका राशन कार्ड में कितने मेंबर एड है, वो भी मिलेगा। यहाँ पर 2 रुपये kg गेहूँ दिया जाएगा और 3 रुपये kg जो यहाँ पर चावल दिया जाएगा। तो आप अपना काउंट कर सकते हैं आपको कितना रुपये लगता है, आपका मेंबर कितना है, आप अपना से काउंट कर सकते हैं। अब जैसे मैं देख सकते हैं इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी लाभुकों को माह मई 2022 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति माह प्रति लाभुक को 2 किलो गेहूं तथा 3 किलो चावल के स्थान पर 5 किलो चावल मुफ्त वितरित किया जा रहा है। आने की जो यहां पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 किलो जो है पहले गेहूं जो दिया जाता था और 3 किलो जो है यहां पर चावल जो दिया जाता था, इसके स्थान पर अब गेहूं ना देकर अब जो है आपको चावल ही दिया जाएगा 5 kg। अब जो है जो भी प्रधानमंत्री जो फ्री में जो आपको राशन दिया जाता है, वे जो है अब आपको गेहूँ उसमें नहीं दिया जाएगा, उसमें जो है सिर्फ आपको 5 kg चावल ही दिया जाएगा, गेहूं नहीं मिलेगा फ्री वाले।
और जो भी राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है राशन, उसमें आपको 1 kg जो यहाँ पर आपको गेहूँ मिलेगा और 4 kg जो है आपको चावल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं अब ये बदलाव जो है किया गया है और यहाँ पर जो है वितरित मुफ्त में किया जा रहा है, साफ साफ बताया गया है। राशन वितरण भी शुरू कर दिया गया है, लगभग दस दिन तक जो यहाँ पर राशन का वितरण चलेगा। सभी जगहों पर राशन वितरण शुरू कर दिया गया है। पोर्टेबिलिटी के तहत लाभुकों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपनी सुविधा से किसी भी जन वितरण प्रणाली के दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कहीं से भी आप किसी भी डीलर के यहाँ से अपना अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी डीलर यहाँ पर, आपको मैं बता देता हूँ, सभी लाभुकों से अनुरोध है कि वे खाद्यान्न प्राप्त करते समय पोस आने की पी पोस यंत्र द्वारा जेनरेटेड रसीद निश्चित रूप से जो यहाँ पर प्राप्त करें। जो भी आपको जैसे आप फिंगर लगाते हैं उसमें से एक रसीद निकलता है, वे जो है आपको ले लेना है। यानी यदि किसी उचित मूल्य विक्रेता द्वारा उक्त निर्णय के अनुसार मुफ्त में खाद्यान्न नहीं दिया जाता है तो निकटवर्ती अनुमंडल पदाधिकारी समक्ष शिकायत दर्ज जो है आप लोग कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट जो यहाँ पर दिया गया है एवं टोल फ्री नंबर 2 दिया गया है, इस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डीलर फ्री वाले राशन या राज्य सरकार द्वारा दी जा रही दोनों राशन देने से मना करता है, कोई भी डीलर, मान गए कि आपका ग्राम पंचायत है, आप कहीं से भी राशन उठाव कर सकते हैं। अगर एक दूसरे डीलर आपको राशन नहीं दे रहा है तो आप इस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये जो है आप सभी को ये प्रक्रिया, ये बदलाव किया गया है, ये जो है 2023 तक, मार्च 2023 तक जो है ये बदलाव रहेगा और इसी अनुसार जो आप सभी को राशन दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ सकते हैं, मैं टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ। तो यही जो सबसे बड़ा जो है ये बदलाव किया गया है।